अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। ये केस स्टडी है जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और कुछ एडमिन्स के लिए, और हो सकता है कि ये थोड़े दिनों तक या मंथ्स तक पब्लिक में भी आ जाए। तो केस स्टडी ये है कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि मार्च में अर्निंग थी $143 और अल्हम्दुलिल्लाह वो $445 तक चली गई थी अप्रैल में। तो मैंने किस तरह किया उस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई थी कि मैं जो है यहाँ पे लिखेंगे एफिलिएट डिस्क्लेमर। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम में इस पे 7,80,000 जो है वेबसाइट शो हो रही हैं। तो इसमें जितनी ज़्यादा वेबसाइट मतलब जो जितनी ज़्यादा रिसेंट होंगी उन्हें उतना ही ज़्यादा कॉम्पीट करना आसान होगा। तो हम ऐसी वेबसाइट्स यहाँ से ढूंढेंगे जो लास्ट 2-3 ईयर्स में बनी हो और उनकी ट्रैफिक भी अच्छी हो। इसके लिए आपको एचरेफ की ज़रूरत भी पड़ेगी। एज के लिए मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ एसईओ क्विक। तो ये जो स्कोर्स वगैरह हैं इनसे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मतलब कौन सी ज़्यादा अच्छी जा रही है। अब ये देखें ये रिसेंट 5 ईयर्स में बनी है, इसका देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छी है, रेफरिंग डोमेन्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें करते हम क्या है, करते ये हैं कि इनके जो कीवर्ड्स टॉप रैंकिंग पे होते हैं उन्हें हम ओपन करते हैं क्योंकि उनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं 1-5 इस तरह का। अब ये देखें ना, पिंटरेस्ट की वेबसाइट इसके ऊपर रैंक कर रही है, मतलब ये इतना ज़्यादा लो कंपटीशन है। तो आगे इसमें हम करते ये हैं कि हम इसका वर्ड काउंट चेक करते हैं। ₹2,500 तो इसमें हम करेंगे ये कि जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम दो तीन इजाफी, मतलब अगर इसने 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल लिखा है तो हम कोशिश करेंगे कि 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखें और वर्ड काउंट कम से कम 1,000 से 1,500 वर्ड ज़्यादा हो। तो इसी तरह करके हम उसे रेप्लिकेट करते जाते हैं उसके कीवर्ड्स को जिन भी वो रैंक कर रहा है, ट्रैफिक कर रहा है, और इसी तरह आसानी से हम जो है ट्रैफिक गेन करते जाते हैं और सेल्स बढ़ती जाती हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल तरीका आपको समझ आ गया होगा। ये लगता तो बहुत सिंपल है और बजट चाहिए होता है इसके लिए अच्छा खासा, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसमें कंपटीशन भी इतना खास ज़्यादा नहीं होता। तो आप जितनी रीसेंट वेबसाइट ढूंढेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कमा सकते हैं उसे, उतना ही अच्छे तरीके से आप उसे रैंक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।